मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर देश को मजबूत बनाने के साथ साथ भारत की सैन्य ताकत को भी मजबूती प्रदान करने में जुटी हुई है। इसीलिए वो लगातार विदेशों से संपर्क साध रही है, विदेशों से लगातार हथियार खरीदे जा रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को हार्पून मिसाइलों और मार्क 54 टारपीडो बेचने को लेकर अपने देश को जानकारी दी। बस इससे ही पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका के भारत को पोतरोधी मिसाइलें बेचना परेशान और हैरान करने वाला कदम है, इससे क्षेत्र में हालात खराब हो जाएंगे। पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि वो तो अपने पड़ोसियों के साथ सिर्फ अच्छे संबंध चाहता है। पाकिस्तानी विदेशी कार्यालय की तरफ से कहा गया कि अमेरिका की भारत को मिसाइलों की बिक्री सभी को परेशान करने वाली है, क्योंकि जब महामारी से लड़ने के लिए वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया इसमें लगी हुई है, तो ऐसे में हथियारों की बिक्री का क्या मतलब है। अमेरिका के इस कदम से दक्षिण एशिया की पहले से ही संवेदनशील स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी। पाकिस्तान ने भारत को अत्याधुनिक हथियारों की बिक्री के बारे में अपनी चिंताओं को साफ किया। पाकिस्तान और भारत के बीच उच्चायुक्त स्तर तक राजनयिक संबंधों की बहाली के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि वो तो हमेशा अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, अगर पड़ोसी एक कदम आगे बढ़ाएं तो वो दो कदम आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, बशर्ते पड़ोसी कुछ पहल करें। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि दोनों देशों को बातचीत के लिए मेज़ पर आने की ज़रूरत है। ये सब तब होगा जब भारत बातचीत के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगा, ताकि कश्मीरी लोगों की इच्छा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार कश्मीर मुद्दे का समाधान हो सके। ये सब भारत के हाथ में है और भारत को इस पर सोचने की ज़रूरत है, ये सब पाकिस्तान कह रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और भारत ने ये जो हथियार खरीदे हैं अमेरिका से, उसका कितना फ़ायदा भारत को मिलने वाला है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो आपने पूरी देखी है, इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया।